damn it. जाओ कोई बुला कर लाओ उसे. सर वो राइटर आकाश आपसे मिलना चाहता है. क्यों? वो दो घंटे से आपका इंतजार कर रहा है. ओफो यार ये आदमी भी मेरा. तुम एक काम करो, तुम उससे कहो मैं उससे नहीं मिल सकता हूँ, मेरे पास वक्त नहीं है. वक्त तो आपको निकालना पड़ेगा ललित साहब. ऐसा कब तक चलेगा? मुझे आपसे जवाब चाहिए. जवाब? जी हाँ जवाब. मुझे पूरा 1.5 साल लगा इस कहानी को लिखने में और मुझे पता चल रहा है कि आप किसी दूसरे राइटर से पूरी की पूरी कहानी फिर से लिखवा रहे हैं. क्या मतलब है इस सब का? काम मेरा और नाम किसी दूसरे राइटर का? वाह ललित साहब वाह. आपको मालूम है इससे मेरा कितना नाम खराब हो रहा है इंडस्ट्री में? नाम? अरे तुम्हारा नाम है ही कहाँ. जो आदमी 1.5 साल में एक कहानी पूरी करे उसका कोई नाम होता है? आजकल राइटर 3 महीने में कहानी लिख देता है. ललित साहब आप ये ठीक नहीं कर रहे हैं, बहुत बुरा कर रहे हैं आप मेरे साथ. आपको ये भुगतना पड़ेगा, आपकी फिल्म कभी पूरी नहीं होगी, इसका नतीजा आपको भुगतना ही पड़ेगा. एक मिनट भाई. प्रीति जी आप ये मेरी यूनिट की प्रॉब्लम्स क्यों रिकॉर्ड कर रही हैं? आप इसे भी टीवी पर दिखा देंगे क्या? रिलैक्स रिलैक्स मिस्टर ललित, हम टेलीकास्ट करने से पहले एडिटिंग भी तो करेंगे ना, और कुछ भी टीवी पर दिखाने से पहले मैं आपको जरूर दिखाऊंगी, आई प्रॉमिस. देखिए आई एम सॉरी, आई एम रियली वेरी सॉरी. शूटिंग पर ये सब चलता रहता है. आज का दिन ही कुछ खराब है. ओ पिया पिया कम ऑन. पिया देखो जो हुआ उसे भूल जाओ. मुझे अचानक बहुत गुस्सा आ गया था. मैं जानता हूँ कि तुम और अच्छी एक्टिंग कर सकती हो. मैं पूरी कोशिश कर तो रही हूँ लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा कि तुम चाहते क्या हो. देखो पिया सीन यह है कि तुमको जहर दिया गया है. ओके बस तुम्हारे थोड़े से रिएक्शन ठीक नहीं आ पा रहे. यार मैं तुम्हारी मदद करता हूँ. चलो मैं तुमको दिखाता हूँ कैसे करना है. मधु तुम दूसरे ग्लास में जूस डालो. देखो पिया इट्स वेरी सिंपल. तुम यहां आके बैठी, तुमने वो विनय वाला डायलॉग अपना बोला. ओके उसके बाद में तुमने ये जूस उठाया और पिया. बस उसके बाद में फिर तुम्हारा वो सर उठिए सर. सर अरे कोई डॉक्टर शाह को बुलाओ जल्दी. किसी डॉक्टर शाह का फोन है. फिल्म डायरेक्टर ललित दास की शूटिंग के दौरान अचानक मौत हो गई. ललित दास? मैंने आपको टेलीफोन किया. ये सब कैसे हुआ? जी वो आपका? जी मैं मधु ललित जी का असिस्टेंट. कैसे हुआ ये सब? वो सर पिया जी को सीन समझा रहे थे, मरने का सीन था, बस करते करते वो खुद ही मर गए. मालूम ही नहीं पड़ा कि ये सब कैसे हो गया. लगता है तो हार्ट अटैक है पर हो ही नहीं सकता. क्यों? क्योंकि पिछले ही हफ्ते मैंने उनका सारा कुछ चेकअप किया था. हार्ट एकदम फर्स्ट क्लास कंडीशन में था. मैं सब कुछ चेकअप किया था ना, ईसीजी स्ट्रेस टेस्ट वगैरह वगैरह. लेकिन डॉक्टर हार्ट अटैक तो अचानक भी हो सकता है. नहीं? हाँ हो सकता है लेकिन इतना बड़ा अटैक और इतनी छोटी सी उम्र में नहीं आना चाहिए था. इसीलिए मैं जरा सोच में पड़ गया और मैंने सोचा कि पहले पोस्टमार्टम हो जाए तो फिर क्लियरली हमें पता लग जाएगा कि हार्ट अटैक है या कुछ और. कुछ और? कुछ और से आपका मतलब किस तरफ है? मेरा मतलब है कि कहीं किसी ने इनको जहर तो नहीं दे दिया. वो अपना रामू रामू लेकर आया. इधर आओ.
जी वो अभी स्नैक और चाय मैं लाया था, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया है। देखो मुझे आप सब लोगों के नाम और एड्रेस चाहिए, और हाँ यहाँ की किसी भी चीज को कोई हाथ नहीं लगाएगा। सुधाकर सर, लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दो। अभी भिजवा दो। एक्सक्यूज मी सर। यस। शायद मैं आपके कुछ काम आ सकती हूँ। आप कौन? आई एम फ्रॉम डीटीवी सर। हम इस फिल्म के ऊपर एक वीडियो प्रोग्राम बना रहे हैं। मिस्टर ललित का इंटरव्यू, आर्टिस्ट का इंटरव्यू और शूटिंग कवर कर रहे थे, और करीब 10-15 मिनट तक हमारा कैमरा लगातार ऑन था, और बस उसी वक्त ये सब हो गया सर। अच्छा, दैट्स गुड। ये तो हमारे काम की चीज है। क्या आप हमें इस टेप की एक कॉपी दे सकती हैं? श्योर सर। थैंक यू। एसीपी साहब, डॉक्टर शाह को मानना पड़ेगा। कैसे उन्होंने झट से बता दिया कि इस आदमी को जहर देकर मारा गया? क्या वाकई ऐसा है? जी हाँ, ये जहर से ही मरा है। अच्छा, मगर कौन सा जहर? वेलकॉक्सिन। वेलकॉक्सिन? जी हाँ, वेलकॉक्सिन। वैसे तो एक ऐसी दवाई है जो दिल के मरीजों को उनके दिल की धड़कन तेज करने के लिए दी जाती है। हालांकि आजकल इसका कोई इस्तेमाल करता नहीं, तो इसे मरने में कोई 2 या 3 मिनट लगे होंगे, या ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट बस। मगर वहाँ के लोगों ने बताया था कि ठीक 2 बजे मर गया। इसका मतलब ये है दया कि इस आदमी को जहर लगभग 1:55 मिनट से दिया गया। सर, तो हमें ये पता लगाना चाहिए कि इसने 1:55 पर क्या खाया जिसके खाते ही ये मर गया। शायद हमें उसी से कुछ पता लग गया। दया, तुम एक काम करो, वो वीडियो टेप ले आओ, डीटीवी वाली। पीआर, देखो सिचुएशन ये है कि तुमको जहर दिया गया है, तुम्हारे बस रिएक्शंस थोड़े से गलत हो रहे हैं, तुम उनको ठीक कर लो। चलो मैं तुम्हारी मदद करता हूँ कि तुमको कैसे करना है। ओके, मैं तुमको दिखाता हूँ। मधु। जी सर। तुम जरा दूसरे ग्लास में जूस डालो। जी। मुझे देखना है कि ललित ने उस वक्त क्या क्या खाया पिया है। देखो इसके बाद तो सर ललित जी ने सिर्फ ऑरेंज जूस पिया था। ये तुम्हारा ग्लास है, तुम यहाँ बैठी और तुमने वो अपने विनय वाले डायलॉग बोले, उसके बाद में ये ग्लास उठाया, और उसके बाद तुम्हारे रिएक्शंस भी हैं। ये पिया और सर, इसके पहले तो उसने अपने प्लेट से सिर्फ वो बिस्किट्स खाए थे, और 1:50 के 2 या 3 मिनट बाद उसने वो ऑरेंज जूस पिया। इसके अलावा तो उसने किसी भी चीज को हाथ भी नहीं लगाया। तो इसका मतलब जहर इनमें से ही किसी चीज में होगा। आपके पास ये तीनों चीजें हैं ना, ये बिस्किट, चाय, ऑरेंज जूस, फौरन इन्हें मेरी लैब में भिजवाइए, मैं जांच करता हूँ। दया, उस असिस्टेंट मधु और स्पॉट बॉय रामू को लेके आओ, और जो भी वहां उस वक्त मौजूद था उन सबको बुला के लाओ, मैं उनसे पूछताछ करना चाहता हूँ। ललित साहब को चाय और बिस्किट तुम्हीं ने दिया था ना? हाँ साहब, चाय और बिस्किट तो मैं ही लाया था, लेकिन शौकिंग खाकर कहता हूँ कि मैंने उसमें कुछ नहीं मिला, वो सारा सामान तो मैं कैंटीन से लेकर आया था। सामने असिस्टेंट असिस्टेंट बैठा है ना, तू हमारे साथ से बहुत नफरत करता है, उसी की आई है सब। मैं उन्हें क्यों मारूंगा सर, मेरे साथ उनके संबंध बहुत ही अच्छे थे सर। अच्छा, मगर हमने तो कुछ और ही सुना था। यूनिट वालों का कहना है कि तुम उनसे बहुत नफरत करते थे। ये कैसी बातें कर रहे हैं सर? सर, ऐसे ही कोई किसी का खून करता है क्या? मेरे और ललित जी के संबंध तो बहुत अच्छे थे सर, मैं तो सपने में भी उन्हें नहीं मार सकता। हाँ सर, अगर उन्हें कोई मार सकता है तो वो राइटर आकाश। आप तो मिशन पर आए थे, आप उस यूनिट में काफी लोगों को जानते हैं, आपने पता नहीं कैसे ललित के चाय या जूस में किसी से कहकर जहर मिला दिया या फिर खुद दे दिया। आप क्या कह रहे हैं? मेरे साथ इतना बड़ा अन्याय हुआ है, आप मुझ पर खून का इल्जाम लगा रहे हैं। 1.5 साल लगाकर एक स्क्रिप्ट लिखी और उसने पूरी की पूरी बदल डाली। कोई औकात ही नहीं है, मेरी कोई इज्जत ही नहीं है। मैं आपको बताऊं असल बात क्या है,
ललित और पिया का चक्कर चल रहा था, तभी तो उस बेवकूफ एक्ट्रेस को ये रोल मिल गया। वरना उसकी क्या होगा, फ्लैट है वो, शक्ल देखी आपने उसकी, उसके प्यार के चक्कर में मेरी स्क्रिप्ट कुर्बान हो गई, उसकी स्क्रिप्ट पूरी की पूरी करवा दो गई, उसका रोल पड़ता रहा, मेरी स्क्रिप्ट कटती गई। ललित जी शादीशुदा थे, आपकी खातिर वो अपनी बीवी को तलाक दे नहीं सकते थे, उनके बर्ताव में बदलाव भी आ गया था, यहां तक कि वो सबके सामने आपकी बेइज्जती भी करने लगे थे, और शायद इन सब चीजों से तंग आकर आपने सोचा होगा कि ये एक ही बार में खत्म कर दूं। झूठ है ये सब, बकवास है ये सब, मैं और ललित सिर्फ दोस्त हैं, जस्ट गुड फ्रेंड्स, और ये रोल मुझे मेरे टैलेंट की वजह से मिला था, किसी और वजह से नहीं। हेलो, हाँ डॉक्टर साहब बोलिए। अच्छा ठीक है, हम आते हैं, थैंक यू। एसीपी साहब नहीं, इन तीनों चीजों में, ये बिस्किट, चाय, ऑरेंज जूस, इन तीनों में से किसी में भी वेलकॉक सिंह नहीं निकली। मगर डॉक्टर साहब आप ही ने तो कहा था कि जहर मरने से 5 मिनट पहले दिया गया है और वेलकॉक सिंह बहुत जल्दी असर करती है। हाँ कहा था एसीपी साहब, लेकिन इन तीनों चीजों में वेलकॉक सिंह नहीं है। पर सर आखिर के 5 मिनटों में उन्होंने और कुछ लिया भी तो नहीं, और ये बात वीडियो टेप में एकदम साफ है। हाँ किसी न किसी ने कैसे भी करके उसे जहर दिया जरूर है, और वो भी आखिरी के 5 मिनट। Are you sure, doctor? Yes. जहर इंजेक्शन या कोई और तरीके से नहीं दिया गया, सिर्फ खिलाया गया है। जहर पेट में मिला है, इसका मतलब साफ है एसीपी साहब के जहर मुंह के रास्ते ही अंदर गया। मेरे पास काफी समय से एक वेलकॉक्सिन का एक डब्बा रखा था, आजकल मैं उसको प्रिस्क्राइब नहीं करता हूं, यही कि होना चाहिए था, पता नहीं कहां चला गया। पर अब नहीं है। हाँ ओह माय गॉड, आप मतलब ललित को मारने का काम से हुआ है। डॉक्टर शाह क्या आप बता सकते हैं कि ललित को जानने वाले में से यहां कौन कौन आता जाता था? नहीं, ललित तो मेरा पेशेंट था, इसीलिए अक्सर आया जाया करता था, और उसकी बीवी अलका भी साथ में आया करती थी, और उसका असिस्टेंट है ना मधु, वो भी कभी कभी आता था। और कोई जैसे पिया? पिया नहीं, ललित के साथ पिया कभी नहीं आई, लेकिन 15 दिन पहले ललित ने पिया को मेरे पास भेजा था, उसे कुछ थोड़ा सा बुखार हो गया था, और ललित को डर था कहीं इसकी वजह से उसकी शूटिंग ना कैंसिल करनी पड़ जाए। सर चूंकि मैं आखिरी के 5 मिनटों की कैसेट बार बार देख रहा था, तो शायद मैंने पहले नहीं देखा। मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ सर, ये देखिए, ललित के मरने के 15 मिनट पहले का। जैसे हम सभी जानते हैं कि ललित जी बहुत ही जाने माने डायरेक्टर हैं, उन्होंने हमें बहुत सारी हिट फिल्म्स दी हैं, आज उनका इंटरव्यू लेंगे हम, और फिल्म की हीरोइन है पिया जी, उनके साथ भी अगर वक्त मिला तो जरूर बातचीत करेंगे, और आपको बताएंगे कि वो इस फिल्म के बारे में क्या कहती है। सर मरने के करीब 15 मिनट पहले उसने कुछ गोलियां खाई थी। रिवाइंड करके स्लो मोशन में प्ले करो। कौन सी गोलियां खा रहा है? तो ललित को हाइपरटेंशन था, उसका ब्लड प्रेशर कम करने के लिए मैंने कुछ गोलियां दी थी, शायद वही होंगी। क्या वो हर रोज ये गोलियां खाता? हाँ कुछ टैबलेट्स, कुछ कैप्सूल थे, कुछ तो दिन में 3 बार लेनी पड़ती थी।
जैसे कि नाश्ते से पहले, खाना खाने से पहले और रात को खाना खाने से पहले। लेकिन ललित अपनी दवाई कभी भी मिस नहीं करता। जब वो शूटिंग पर जाया करता था तो अपनी दवाइयों का कोटा एक छोटे से डिब्बे में भर के साथ ले जाया करता। ललित की वो बैग हमारे पास है, हो सकता है वो रात की गोलियां भी उसी में होगी। क्या है ये होना चाहिए उसकी दवाई का डब्बा। सवेरे की और दोपहर की दवाइयां तो उसने ले ली थी, ये हैं उसकी रात की दवाइयां। एसी पी साहब, ये कैप्सूल काम का है, इसी से कुछ पता चले। सर आप तो बता रहे थे कि वेलकॉक्सिन 5 मिनट में जान ले लेती, मगर उसने तो ये गोलियां मरने के 15 मिनट पहले खाई। देखिए, वैसे तो वेलकॉक्सिन 5 मिनट में ही अपना असर दिखा देती है अगर उसे सीधा सीधा खाया जाए तो, लेकिन उसे अगर कैप्सूल में खाया जाए तो असर दिखाने में थोड़ा समय तो लगेगा। क्या मतलब? देखिए, ये गोलियां देखिए, इनसे कोई छेड़छाड़ नहीं की जा सकती, लेकिन ये कैप्सूल, इसे खोला जा सकता है। वो मैं आपको बताता हूं, पहले इन सबूत को डब्बे में डाल दें। आइए, ये देखिए ये कैप्सूल। अब मैं इसको खोलता हूं। अब मान लीजिए ये जहर है, ये इसमें डाल देता हूं और इसे वापस बंद कर देता हूं। किसी को पता भी नहीं चलेगा कि उसने जहर खाया है दवाई। ठीक है, फिर भी डॉक्टर साहब, इस केस में जहर ने 5 मिनट के बजाय 15 मिनट कैसे लगा दिए? देखिए एसीपी साहब, कैप्सूल को पेट में जाने के बाद घुलने में थोड़ा वक्त लगता है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, इस बीकर में एक ऐसा सॉल्यूशन है जो उन एसिड जैसा है जो हमारे पेट में होते हैं, जैसे कि 5% हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पेप्सिन। अब मैं इस कैप्सूल को इस सॉल्यूशन में घुलने लगा जी। इस कैप्सूल को घुलने में 5 मिनट लगेंगे और वेलकॉक्सिन को अपना असर दिखाने में 5 मिनट लगेंगे। इसका मतलब ललित ने जहरीला कैप्सूल अपनी मौत से लगभग 10 मिनट पहले खाया। 5 मिनट कैप्सूल घुलने के और 5 मिनट जहर को अपना असर दिखाने। लेकिन सर, ललित ने कैप्सूल 2:15 बजे खाया तो उसकी मौत 10 मिनट बाद हो जानी चाहिए, यानी कि 1:55 पर। लेकिन उसकी मौत इसके भी 5 मिनट बाद हुई, यानी 2 बजे। क्यों? एसीपी साहब, ललित ने एक कैप्सूल नहीं खाया, उसने 2 कैप्सूल खाए। 2 कैप्सूल? जी हाँ, मैं बताता हूँ। ये एक छोटा कैप्सूल, कातिल ने इस कैप्सूल में जहर भरा होगा और फिर उसे बड़े वाले कैप्सूल में बंद कर दिया होगा। अब 5 मिनट लगे होंगे इस बड़े कैप्सूल को घुलने में और 5 मिनट लगे होंगे इस अंदर के छोटे कैप्सूल को घुलने में और 5 मिनट लगे होंगे जहर को अपना असर दिखाने। हो गए 15 मिनट? हो गए 15 मिनट। अगर खून ऐसे ही हुआ है तो सवाल ये है कि ललित के कैप्सूल में जहर डाला। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।